हेलो दोस्तों, मैं आपको तो सत्यपुत्र रॉय एंड मिराज चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर हम डॉग कर रहे हैं, और आप देख सकते हो अपने पिक पे मैं डॉग कर रहा हूँ फेमस कार्टून कैरेक्टर मिस्टर बीन को, और इसको बहुत लोग रियल में भी देख चुके हैं। और इस कार्टून कैरेक्टर को बच्चे लोग तो पसंद करते हैं और जो बड़े लोग हो वो भी पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो कार्टून कैरेक्टर है बहुत फेमस है, स्माइलिंग करता है सबको। तो इसका जो कार्टून कैरेक्टर है बहुत फेमस है, तो इसलिए मैं इसको डॉग कर रहा हूँ। और बहुत ईजी प्रोसेस में इसका पहले मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं कोई कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो उसका पहले रॉइस किसिस में बना लेता हूँ, उसके ऊपर ही मैं फाइनल आउटलाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिंगर्स वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ और जूते भी कर दिया हूँ, और इसके बाद मैं सब कुछ आग बगल करूँगा। और अब देखेंगे मैं हेड को थोड़ा बड़ा करूँगा, क्योंकि मेरा मेजरमेंट थोड़ा वहाँ पर डिफॉल्ट हो गया था, तो उसमें मैं थोड़ा सा एक एडजस्ट करके उसको बड़ा करूँगा। अब देखेंगे डिफरेंस आएंगे, तो उसके बाद मेरा आउटलाइन भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसमें कलर ऐड करूँगा। और कलर भी बहुत इजी प्रोसेस में आपको दिखाऊँगा, कुछ हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि कलर बहुत कम है और बहुत इजी प्रोसेस में आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैं फेस में कलर अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं मैन कलर पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ। उसको अप्लाई करने के बाद जो फिंगर्स वगैरह सब कुछ है उस पे अप्लाई करने के बाद उसको सॉफ्ट करने के लिए मैं व्हाइट कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा, और लास्ट में थोड़ा सा उसको डीप करने के लिए वॉल पेस्टर का यूज़ करूँगा। तो आप देखो वीडियो को एंड तक, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आपको मैं पहले ही बताया था कि जिस जगह पे आपका कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा उस पे आप वॉल पेस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वॉल पेस्टर कलर यूज़ कर रहा हूँ, और इसको करने के बाद मैं अब जो उसका मिशावनी का जो क्लोथ्स है वो मैं करूँगा, और क्लोथ्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क ब्राउन। और इसको करने के बाद मैं थोड़ा सा सॉफ्ट भी करूँगा, सॉफ्ट करने के बाद फिर से एक लेयर दूँगा, क्योंकि इसमें मैं वॉल पेस्टर कलर यूज़ नहीं करूँगा, इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी डार्क हो जाता है। और इसको करने के बाद मिस्टर बीन का जो टाई है रेड कलर का, उसको भी मैं करूँगा। आप देखो, तो यहाँ पर मैं टाई को कर रहा हूँ रेड कलर पेंसिल से, तो इसको भी मैं सॉफ्ट करूँगा। सेम प्रोसेस है, आपको पहले एक लेयर चढ़ाना है, उसको सॉफ्ट करना है, और बाद में उसको ऊपर और एक लेयर चढ़ाना है। तो यहाँ पर जो मिस्टर मिन का जो मेन पार्ट है, डार्क एरिया है, ब्लैक एरिया है, आँख, हेयर्स, पैंट्स वगैरह सब कुछ, तो उसको मैं करूँगा। और आप देख सकते हो रेफरेंस पिक पे कि मिस्टर बिन का एक यहाँ पर डार्क वैल्यू बाहर की तरफ है बॉर्डर लाइन, तो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन मोटा है, तो उसको मैं किया हूँ, क्योंकि इसको करने से मिस्टर बिन का जो कैरेक्टर है वो और भी एक अट्रैक्टिव नज़र आएगा। तो उसके हिसाब से मैं सब कुछ जो ब्लैक पार्ट है वो मैं कर दिया हूँ, और वाइट एरिया को मैं ग्लास मार्किंग पेंसिल से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइट जेल पेन का भी यूज़ किया हूँ उसका स्माइलिंग पे। और तो यहाँ पर मैं बहुत इजी प्रोसेस में आपको कलर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से क्लोथ्स में थोड़ा सा एक लेयर चढ़ा दिया, क्योंकि थोड़ा सा फेड हो गया था, और आपको जहाँ पर थोड़ा सा कलर फेड लगेगा वहाँ पर आप कलर एक और एक बार लेयर चढ़ा सकते हो, आपका वहाँ पर फ़ायदा भी होगा, कलर में एक डेप्थनेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं मेरा जो मिस्टर बिन का ड्राइंग था वो कंप्लीट हो चुका है, और हमेशा की तरह यहाँ पर मैं आप बैकग्राउंड कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रिंस पिक के हिसाब से आपको बैकग्राउंड चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जो पिंक कलर है उसको चूज़ किया हूँ, और यहाँ पर मैं हाथ से ब्लेंड कर दिया हूँ। और बैकग्राउंड करने के बाद तो मेरा जो आज का मिस्टर बिन कार्टून कैरेक्टर था उसका जो ड्राइंग था वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा लग रहा है, थोड़ा सा हैंडसम भी लग रहा है मिस्टर बिन को। तो बहुत इजी प्रोसेस में आपको दिखाया हूँ, और इस तरीके से कार्टून कैरेक्टर ड्राइंग आप और भी देखना चाहते हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहो। और इस चैनल पर न्यू आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन ऑन करके, तो आपको फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग ड्राइंग वीडियो मिलते रहेंगे मेरे चैनल से। और इस वीडियो को बहुत लाइक शेयर करो, और आज का मिस्टर बिन ड्राइंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई कार्टून कैरेक्टर ड्राइंग में, तब तक के लिए टेक केयर, डू प्रैक्टिस, डू इंप्रूव, एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, एंड बाय बाय दोस्तों।